हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है स्वच्छ होंगे। आज मैं आपको कंप्रेसर, स्कॉल कंप्रेसर कॉपलैंड का जो आता है उसमें 160 190 से ऊपर जितने कंप्रेसर उसमें मॉडल्स लगते हैं, मोटर प्रोटेक्टर, उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को मिस ना करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें, ये आपके सामने में रखा हुआ है कंप्रेसर का मॉड्यूल, मैं दिखाया था कंप्रेसर लगा होता है साथ में, तो आज बताता हूँ। इसमें देखें T1 T2 लिखा हुआ है। T1 T2 में क्या होता है, इसमें ये देखें सप्लाई यहाँ दिया हुआ है। इस मॉड्यूल को भी सप्लाई चाहिए थी, कंट्रोल की सप्लाई ऑपरेट होने के लिए, वो आप देख लें यहाँ पर 230 से 240 वोल्ट का दिया हुआ है। तो इसमें लाइन और न्यूट्रल 230 वोल्ट का लगेगा इसको ऑपरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें L1 L2 L3, अभी आपके जो कंप्रेसर में जो सप्लाई आ रही है थ्री फेज का कंप्रेसर, ये नॉर्मली थ्री फेज में लगते हैं मॉड्यूल कंप्रेसर के अंदर, तो उसे कंप्रेसर में जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पे लगेगी L1 यानी RYB, ठीक है। वो कंप्रेसर से जो कंप्रेसर में सप्लाई जा रही है वो सप्लाई तो उसमें लगी रहेगी उसी टर्मिनल में, उसी टर्मिनल से आपने पैरेलल दो तीन वायर L1 L2 से निकाल के आपने यहाँ लगा देने, ताकि कोई भी एक फेज़ मिस होगा तो ये इसको कंप्रेसर को लॉकआउट कर देगा। तो कैसे लॉकआउट करेगा, ये कॉन्टैक्ट दिया है यहाँ पे M1 M2 बेसिकली ये रिले के कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली आपका क्लोज रहता है। तो जब भी इसकी जो कंप्रेसर की कंट्रोल सप्लाई जो सीरीज़ में चल रही है LPHP और दूसरी सर हैं जो उसको ब्रेक करने के लिए, वो यहाँ से सीरीज़ में होता है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही कंप्रेसर में इसके मॉड्यूल के अंदर कोई डिटेक्ट करता है, कुछ चीज़ डिटेक्ट होगी, कुछ भी ओवरहीट है या हाई एम्स ले रहा है, कुछ भी इस मार है, तो इसमें ये रिले ऑपरेट कर देगा और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, आपका कंप्रेसर लॉकआउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मेन पर, और ये जो आपको ग्रीन करके दिया हुआ है ये ऑप्शनल है, ये यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन के लिए है, आपने इसको कम्युनिकेट करना है या कुछ कंप्यूटर से या किसी और चीज़ से लेना है, ये वहाँ पे लगते हैं। ये आपको निकल आता है, तीन वायर आता है, ये देखें ये प्लग निकल आता है, इसमें तीन वायर इसमें आपको टाइट करके आपने कम्युनिकेशन के लिए वो ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि कंप्रेसर का जो आपको, तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उसमें, तो उसमें ये जो कंप्रेसर के अंदर से लगा होता है नीचे जो मेन टर्मिनल होते हैं थ्री फेज के, उसके नीचे ओवरलोड का लगा होता है सेंसर का, उसमें से वायर निकल के उसके दो, किसी में दो वायर होते हैं किसी में तीन वायर होते हैं, उसके एंड में जो प्लग लगा होता है वो इसके अंदर आके जैक उसके अंदर लग जाता है, लॉक हो जाता है। तो ये है, और बाकी इसके डिप स्विच हैं, तो डिप स्विच के बारे में बताता हूँ कि डिप स्विच क्या फंक्शन है, किस तरह से होता है। तो इसमें देखें आपको मैं डिप स्विच के बारे में बताता हूँ, ये देखें डिप स्विच के बारे में है, इसका पूरा डिटेल दी हुई है आपको। ये डिप स्विच जो है 1 से 5 तक जो है मॉड बस मॉड्यूल एड्रेस का है, 6 नंबर जो है बॉड रेट का है 9600 है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। 7 नंबर है इवन प्रायोरिटी और नो प्रायोरिटी इसमें दिया हुआ है, तो आपने ऑन रखेंगे तो इसमें दिया हुआ है ऑन रखना है या ऑफ में क्या है इसके में। 8 नंबर हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क मोड में है ऑन रखेंगे तो, अगर ऑफ में रहेगा तो स्टैंड अलोन रहेगा, ठीक है। और ये 9 नंबर जो है ये TE NTC NPTC NTW अगर ऑफ रखेंगे तो PTC ओनली, तो इसके नीचे दिया हुआ है इसकी डिटेल, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी आपको देखें 10 नंबर जो है हमारा जो है अगर ऑन रहेगा तो इनेबल शॉर्ट साइकिलिंग प्रोटेक्शन, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो इसका जो शॉर्ट साइकिलिंग जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट साइकिलिंग अगर ऑन रखेंगे तो शॉर्ट साइकिलिंग को प्रोटेक्शन है, अगर वो ऑन ऑफ हो रहा है बार बार तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, लॉक कर देगा। अच्छा, मैंने 9 नंबर का बताया था, उसमें थर्मिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का दिया हुआ है, तो TE अगर दिया हुआ है तो मैं PTC और NTC है, 3 वायर कनेक्शन कनेक्टर है, ठीक है ना। तो और ये है TW PTC ओनली 2 वायर कनेक्शन, तो ये थर्मिस्टर था, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे वायर लगी है जो ओवरलोड का आता है सेंसर का, तो कंप्रेसर के सेंसर का, तो ये बेसिकली 9 नंबर जो है वो यही है। इसमें अगर कितने वायर हैं, अगर 3 वायर हैं तो ये आपका जो है 3 वायर हैं तो ये डिप स्विच जो नंबर है 9 नंबर वो ऑन रहेगा,
अगर उसमें जो सेंसर के थर्मिस्टर के बाद दो वायर हैं तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर जो है वो टोटली इसके साथ ही रिलेटेड है। अगर ये 3 वायर का है तो ये ऑन रहेगा, 2 वायर्स का सेंसर, 2 वायर इसके उसमें जैक आएगा तो वो ऑफ रहेगा, तो ये इसका है। और 10 नंबर जो है एंटी प्रोटेक्शन है, और बाकी आपका जो है 1 नंबर है वो उसको बताया था मैंने कितना है क्या हिसाब से, ठीक। अच्छा, दूसरा है कि इसकी जो लाइट है इंडिकेशन का है, किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या लाइट इसमें फ्लैश हो रही है, स्टडी है, तो उसमें क्या क्या एरर दे सकता है, ठीक है। तो वो आप मेरी नई वीडियो के लिए वेट करें, मैं इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ कि इसको लाइट की किस तरह से इसको क्या चेक कर सकते हैं लाइट में। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।